अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इंतहाई खुशी की खबर शेयर करने वाली हूं। तो मशहूर अदाकारा आमना शेख के हां दूसरी शादी में से अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। इस खुशखबरी का जो ऐलान था वो अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए किया। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर शेयर की और साथ ही साथ बताया कि रवा माह की 3 तारीख को अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अदाकारा के बारे में मजीद डिटेल भी शेयर करूंगी और ये कि उनके दूसरे शोहर कौन है और उनकी पहली तलाक की वजह क्या थी। अगर तमाम डिटेल जानना चाहते हैं तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बताती चलूं कि अदाकारा आमना शेख ने पहली शादी 2015 में अदाकार महम मिर्जा से की थी। फिर अल्लाह ताला ने शादी के 10 साल बाद उन्हें बेटी की रहमत से नवाजा था। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी 5 साल की हुई तो शादी के 15 साल बाद इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स होगी और डाइवोर्स की वजह जो अदाकारा बनी वो अदाकारा सनम सईद थी। सुनने में आया है कि महम मिर्जा ने अदाकारा सनम सईद की खातर शादी के 15 साल बाद अपना हस्ता बस्ता घर जो था वो तबाह कर लिया। बताती चलूं कि अदाकारा सनम सईद और महम मिर्जा के दरमियान नजदीकियाँ जो थी वो इनके ड्रामा दीदन के दरमियान बढ़ी। बताती चलूं कि सनम सईद जो थी वो आमना शेख की बेस्ट फ्रेंड थी और इन्होंने एक साथ एक फिल्म केक में भी काम किया था। लेकिन एक दोस्त ने ही अपनी दोस्त का हस्ता बस्ता घर जो था वो तबाह कर दिया। बताती चलूं कि सनम सईद भी पहले से शादीशुदा थी। फिर अदाकारा आमना शेख ने एक मशहूर बिजनेसमैन उमर फारूक से शादी की और अब अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा है। तो आप लोग भी इस खुशी के मौका पर अदाकारा को मुबारकबाद देना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।